अभय कह गया था कि कुछ लोग जो देवीलाल का फोटो लेके चुनाव जीत के पिछले बार, अब के ध्यान रखना। My school, it's right place and change along my school, thanks. This is our computer lab. We charge computer from charge center itself. This is our school for my dream come true. नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव जोधपुरिया की हैं, जहां पे आपको बता दें कि चौधरी रणजीत सिंह बिजली मंत्री का एक कार्यक्रम रखा गया था। चौधरी रणजीत सिंह इन दिनों रानिया विधानसभा के गांव-गांव जाकर के सौगातों की बौछार जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में जोधपुरिया गाँव में भी चौधरी रणजीत सिंह पहुँचे और उनका स्वागत करने के लिए जो भीड़ यहाँ पर देखने को मिली, आप तस्वीरों में देखिएगा कि किस प्रकार से चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए समर्थक जो है वो उन्हें सभा स्थल तक लेकर के जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पे मैं आपको दर्शकों की संख्या दिखाना चाहूँ तो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो उन्हें समर्थन देने के लिए, उन्हें सुनने के लिए और अपनी शिकायतों का निपटान करवाने के लिए यहाँ पे आए हुए दिखाई दिए। जोधपुरिया की बात करूं तो गांव जोधपुरिया में दो अनेकों जो है वो परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा किया गया। यहां पे आप तस्वीरें देखिएगा कि चौधरी रणजीत सिंह जो है वो उद्घाटन कर रहे हैं। गांव जोधपुरिया में राम प्रताप गोदारा के घर से बस स्टैंड तक सड़क के दोनों तरफ वह पशु अस्पताल के सामने इंटरलॉक के निर्माण कार्य का उद्घाटन जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा जो है वो किया गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूँ तो इन तस्वीरों में देखिएगा कि गांव जोधपुरिया में अनुसूचित जाति चौपाल की चारदीवारी बस स्टैंड के पास शेड व आईपीबी चौक के कार्यों का उद्घाटन जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा आज किया गया है। इसके साथ साथ अगर बताना चाहूँ तो अनेकों ऐसे जो काम हैं जो ग्रामीणों की जो समस्याएं थी उन समस्याओं का निदान भी जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा करवाया गया। यहाँ पर ये तस्वीरें देखिएगा जरा, एक महिला जो है वो अपने पानी की समस्या को लेकर के यहाँ पर चौधरी साहब के सामने फरियाद लेकर के आई तो चौधरी साहब ने उस समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए अधिकारियों को जो है वो उचित निर्देश जो है वो दिए हैं। 5 दिन हो गया, गरम पानी कौन डालना है? 5 दिन हो गया, 800 मेरा डांगर मारो लिख रहा है तो नहीं। हां, दतोर पेपर हमारे पेप नहीं जा, एक एक मिनट मेरी, एक मिनट रहो ना, आप नहीं चलोगे ऐसे साहब से गलत बात कर देता हूं। है पीवीसी लगवा दो, ये पानी डालो चाहिए, 5 दिन हो गया, गरम पानी कैसे चलेगा? पीवीसी कल ये पाइप चल रहा है। वहीं इस दौरान जब चौधरी रणजीत सिंह से जब हमारी बातचीत हुई, मीडिया की बातचीत हुई, तो चौधरी रणजीत सिंह ने अनेकों और सौगातें लाने की बात कही और इसके अलावा कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की। तो क्या कुछ बातचीत हुई सुनिए जरा। हर साल में एक बार सारे गांव कवर करता हूं और आज 9 गांव मैंने बना लिए थे कि मैंने आना था, कल का प्रोग्राम कुछ रखे हुए थे तो 21 का एक दिन गांव का प्रोग्राम रख लिया, 9-10 गांव कर दिए, मिलना हो गया, लोगों से मांगे मिल गई, जो करे थे वो बता दिया। और आपके सामने ये कि जितनी मांगे थे सभी तकरीबन ऑलमोस्ट 90% उनकी मौके पे ही करते, एक बराबर कांटेक्ट बना रहता है, संपर्क में रहते हैं, इन्हें भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो सब एक अपने स्पीच में संबोधन में कहा भी था कि अब काम होने लगे हैं, तो इससे पहले क्या होते नहीं थे? ये गांव खड़ा है पूछ लो, कुछ भी नहीं हुआ था, अब हर पहले नहीं हुए थे। हर गांव में आप गोड़ावाड़ी जाके देखो, गोड़ावाड़ी गांव में समझ है उन्होंने लेने का तरीका आता है, 11 करोड़ रुपया दिया है जो अभी मिला है। अभी इसमें सौवाड़ा गाँव में 18 करोड़ की स्पोर्ट्स अकेडमी सेंक्शन होगी, CM कोर्ट लग गया और 2 पाइपलाइन नई जो बन रही है वो अभी सेंक्शन होगी, CM कोर्ट लग जाएगा इसी अगले वीक में। तो काम लोगों को हमें करने का तरीका आता है, लोगों को लेने का तरीका आता है, मेरा हल्का, मैं पूरे काम कर रहा हूँ, दिन रात कर रहा हूँ।
रानिया में अप्रोक्सीमेट अब तक जो है वो कितने काम हो चुके हैं, कितने करोड़ रुपयों के काम जो है? देखिए सीएम साहब की दो अनाउंसमेंट होती, पहले खारिया में हुई, दूसरी मैंने ओडा में करी। अब जब दोनों रैली करी तो उसमें ठीक है कि जो मुख्य रूप से भीड़ जुटाता है उसको पैसा सीएम साहब देते हैं। मुझे पहले भी बहुत मोटे पैसे दे गए, ओडा में भी बहुत पैसा दे दिया, तो मेरे हलके में कहीं कमी है ही नहीं, खूब पैसा दे रहा हूँ। अभय चौटाला भी इस एरिया के अंदर आए थे, इसी गांव में भी आए थे, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके आपसे वोट लेके ठगी कर दी। वो जो आप कह रहे हैं मैंने गाँव में कहा, मैं कभी ओम प्रकाश जी के खिलाफ भी कुछ नहीं कहता था, कभी परिवार की मर्यादाएं नहीं तोड़नी चाहिए। जो देवीलाल का परिवार है, हमारी कोई हैसियत नहीं, उनकी हैसियत से हम सब हैं। और हमारा वो घर नहीं है कि जिसमें ताले लग जाएं, हम आपस में लड़ाई करें, ये हमारे घर का नियम मर्यादा है, प्रकाष्ठा है जो देवीलाल परिवार। एक जगह कहीं अभय कह गया था कि कुछ लोग जो देवीलाल का फोटो लेके चुनाव जीत के पिछले बार, अब के ध्यान रखना। देखिए मैं रिश्ते की बात बता रहा हूँ, मैं इन्हें यही बता रहा था, जब बच्चे को स्कूल में दाखिल किया तो लिखा जाता है फलां सन ऑफ फलां, अगर आप पासपोर्ट बनाओ तो उस पर लिखा जाता है फलां बाप का नाम ये, राशन कार्ड बनाओ वोटर लिस्ट में भी आपका बाप का नाम लिखा जाता है। तो मैं अगर फोटो उठा के कराऊँ, मैं तो पूरा ही जो देवीलाल का बेटा हूँ, वो अपने पिताजी का नाम लिखें, वो पोतर तक नहीं जाए, वो बेटे का ही नाम, फादर का नाम लिखें। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि मैं चौधरी देवीलाल का बेटा हूँ, ओम प्रकाश जी मेरे से बड़े हैं, वो भी लिख सकते हैं, पर वो जो उनके बेटे नहीं हैं उन्हें ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो मैं उन्हें आगे भी कहूँगा कि थोड़ा सा मर्यादा में रहें, ज़्यादा अच्छा है, मैं भी रहूँ वो भी रहें, परिवार का चर्चा नहीं करके हम अपनी राजनीतिक बातें अपने लोगों से वो कहें, ये ना लोगों को अच्छी लगती ना हमें अच्छी लगती। पंचायत चुनाव को लेकर के सर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि लोग इंतज़ार में भी हैं क्योंकि काफ़ी समय निकल चुका है, तो क्या संभावना है? निश्चित होंगे, देखिए एक कोर्ट कूट में कोई लोग चले जाते हैं उस करके हो जाता है, बाकी एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, उसमें एक रिश्ता है कि गाँव के लोगों पर उनके अपने अधिकारों, वो अपनी पंचायत चलाएँ, वो अपना फैसला लें। तो ये तो सबसे बड़ी एक महात्मा गांधी का सपना था कि देश गांव में बसता है, भारत गांव में बसता है, तो लोगों को पंचायत अपनी चुननी चाहिए, वो अपने फैसले करें, और बड़ा जल्दी फैसला होगा मेरे ख्याल में, मुख्यमंत्री जी भी चाह रहे हैं जल्दी ही ये अनाउंसमेंट हो जाएगी। सर फसली मुआवजे की बात करें तो 2020 का अभी तक भी लंबित पड़ा हुआ है, तो क्या इसकी सिफारिश सरकार को? मैं एक बात कह रहा हूँ, किसी सरकार में भी इतना मुआवजा नहीं मिला हुआ जितना इस सरकार में दिया गया। फसली मुआवजा नहीं, वो बीमा क्लेम भी मिला है, दूसरा फसली मुआवजा भी मिला है, ऐसा नहीं है। कुछ एरिया में बटने में देर होगी, वो पेपर मूव करने में थोड़ा सा उस करके हो जाता है, बाकी ऐसा नहीं है, सभी एरिया को दिया जाता है। एक आखिरी सवाल करूँगा सर, घग्गर की आपने बात कही कि पूरे इलाके के अंदर जो है वो घग्गर का पानी पहुँचा दिया, लेकिन 4 से 5 गांव अभी भी उस पानी को तरस रहे हैं। उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी मेरे आग्रह को स्वीकार करेंगे, ये भी हो जाएगा। एक सर आपने अभी जोधपुरिया गांव में काफ़ी योजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, तो एक जहां जिस पार्क के पास आप खड़े हैं वो कभी राष्ट्रीय लेवल पर पुरस्कार जीतता था, आज उसकी हालत बदहाल है। देखिए जो पार्क है उसको मैं देऊंगा, उसे पैसे देऊंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन फंड से देऊंगा, पर उसे ठीक करवाऊंगा। ठीक ठीक है।